हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं हीरोन का सूत्र यानी हीरोन्स फॉर्मूला। ये जो हीरोन का सूत्र पाठ देख रहे हैं ये क्षेत्रमिति का ही एक हिस्सा है। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, ठीक है। ये जो मेंसुरेशन देख रहे हैं ये एक यूनानी शब्द मेंसुरेशियो से बना हुआ है। मेंसुरेशियो, मेंसुरेशियो का मतलब होता है मापना, मेजरमेंट करना, ठीक है, मापना, ठीक है, मेजरमेंट करना। अगर हम लोग क्षेत्रमिति को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये गणित की वह शाखा है जिसमें किसी आकृति की लंबाई, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनका आयतन आदि के माप का अध्ययन किया जाता है, उनके मेजरमेंट का अध्ययन किया जाता है, वही आपकी क्षेत्रमिति हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें जिसमें किसी आकृति की लंबाई, किसी आकृति की लंबाई, आकृति की लंबाई समतल आकृतियों, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों के, ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, एवं आयतन आदि का, आदि के माप का अध्ययन करते हैं, माप का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि किसी आकृति की लंबाई, मतलब कोई भी आकृति हो गई, जैसे मान लीजिए कोई रेखाखंड हो गई, इसकी लंबाई हो जाएगी, है ना, कोई यहाँ पे आयत बना लिए, इनके भुजाओं की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, तो ये समतल आकृति है, कोई त्रिभुज हो जाएगा, कोई चतुर्भुज हो जाएगा, है ना, कोई पंचभुज हो जाएगा, तो इन सब आकृतियों के क्षेत्रफल। ठोस आकृतियों में जैसे घन घनाभ वगैरह हो जाएगा, बेलन हो जाएगा, है ना, इन जैसी आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनके आयतन के माप का अध्ययन करते हैं, वही क्या हो जाएगी, क्षेत्रमिति। तो हीरोन का सूत्र पाठ में हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल की ही बात करेंगे, कैसी आकृतियों की, समतल आकृतियों की। यहाँ पर इस पाठ में हम लोग समतल आकृतियों के क्षेत्रफल के, कई तरह के समतल आकृति के क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, उनके परिमाप के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में, इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो लंबाई के लिए आपको पता है कि एसआई मात्रक जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह मीटर प्रयोग करते हैं, सेंटीमीटर भी प्रयोग करते हैं, है ना, ज्यादातर यही। क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा सूत्र किस तरह से प्रयोग करने वाले हैं, उन सूत्रों के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ, जैसे ये एक त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। अच्छा, इस त्रिभुज का मैं यहाँ पे एक लंब गिरा देता हूँ, ठीक है, ये लंब गिरा देता हूँ, है ना, तो ये आप, ये आपका आधार हो जाता है और ये आपका लंब कहलाता है, या शीर्ष लंब भी इसे कहते हैं। तो अगर इस त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या प्रयोग करते हैं जी, एक बट्टा दो आधार गुने में लंब, या शीर्ष लंब भी आप लिख सकते हैं, लंब लिखिए या शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शीर्ष लंब। चलिए ये होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी में अगर अगर शीर्ष लंब ही निकालना हो तो ये जाएगा दो गुना क्षेत्रफल दिया होगा, आधार दिया होगा तो आधार भाग में आ जाएगा, ये दो आ जाएगा ऊपर गुना में, तो शीर्ष लंब निकल जाएगा। अगर आधार निकालना होगा तो शीर्ष लंब को भाग में लेंगे, दो ला देंगे इधर गुना में, क्षेत्रफल अगर आपके पास दिया होगा तो वहां से आधार निकल जाएगा। मतलब अगर क्षेत्रफल, आधार और शीर्ष लंब में से कोई दो चीजें दी है तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप कोई समकोण त्रिभुज ही दे दे इस तरह से, ठीक है, इसको
समकोण लेते हैं तो ये आधार होगा और ये वाला लंब होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बट्टा दो आधार और गुना में लंब होता है। अच्छा, इसमें ये जो लंबी भुजा होती है इसको कर्ण कहा जाता है, और इन तीनों में संबंध की बात करें तो कर्ण का वर्ग जो होता है बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। यानी कि अगर मान लो यहां से कर्ण निकालना होगा तो रूट अंडर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर आधार निकालना होगा, आधार निकालना होगा तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। अगर लंब निकालना होगा तो हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। देखियो, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस, यानी कि यहां से हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एच बराबर में क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, बी बराबर एस इक्वल टू में क्या हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, परपेंडिकुलर इक्वल टू में क्या हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, तो इनको याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, मान लीजिए आपके पास कोई समबाहु त्रिभुज दे दें तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, हम लोग प्रत्येक भुजा को ए ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल में ये होता है रूट तीन बटा में चार भुजा का स्क्वायर। चाहो तो आप, मैं इसको साबित करके भी दिखा देता हूँ, रूट तीन बटा में चार भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, जो भी है भुजा है तो भुजा ही लिख दो, ए है तो ए लिख दो, जो भी है भुजा का स्क्वायर। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम लोग इस पे से एक लंब गिरा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लंब गिरा दिए ए बी सी और डी, ये आधार है, अगर लंब हमें पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो देखो ये लंब क्या करता है, ये सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से अगर ए डी निकालना होगा लंब तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर और माइनस में आधार बी डी का स्क्वायर कर देंगे, यही ना करेंगे जी, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू का स्क्वायर, तो यानी आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। अंदर एलसीएम ले लेते हैं, अंदर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा रूट थ्री ए स्क्वायर बाई में फोर, यानी आ जाएगा रूट थ्री बाई टू ए, है ना, रूट थ्री बाई टू ए, ये वाला हो जाएगा रूट थ्री बाई टू ए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या हो जाता है एक बट्टा दो आधार ए और ऊंचाई जो होगी ए डी यानी रूट तीन बट्टा दो ए, ये ना होगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट तीन बट्टा चार भुजा का स्क्वायर, इसलिए मैंने ये बता दिया। अच्छा, दूसरा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का कर्ण, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का लंब क्या होगा, ये लंब निकालना होगा शीर्ष लंब के लिए क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, तो रूट तीन बट्टा में दो गुना ए, ए क्या है भुजा है, रूट तीन बट्टा दो गुना भुजा। अच्छा, इसका परिमाप के लिए बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो देखो सभी भुजा का योग ना उसका परिमाप हो जाएगा, तीनों भुजा का योग यानी कि ए ए ए थ्री ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा ए थ्री ए यानी कि तीन गुना में भुजा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप तीन गुना में भुजा हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास अब यहाँ पर कोई ऐसा त्रिभुज दिया हो, जिसकी भुजाएं अलग अलग है, जैसे मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, तो देखो हम लोग ए ए जो शीर्ष है ए उसके जस्ट अपोजिट वाली भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, बी जो शीर्ष है उसके अपोजिट वाली भुजा को, सम्मुख भुजा को हम लोग बी से, और सी जो शीर्ष है इसके अपोजिट वाली भुजा को सी से डिनोट करेंगे। तो ये अलग अलग भुजाएं दी हुई हों तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे इसके परिमाप की,
त्रिभुज का परिमाप, तो तीनों भुजा का योग ही ना उसका परिमाप होगा जी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस, यहाँ लिख सकते थे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, है ना जी, बात को समझे ना जी। चलिए, या फिर आप ऐसे लिखो त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो क्या है, किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग, बात को समझे। चलिए अब देखिए, तो अगर इसका अर्ध परिमाप बात करें, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा, तो अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे, अर्ध परिमाप का मतलब क्या, परिमाप का आधा, तो अर्ध परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो तीनों को वो जोड़ दो, यानी कि परिमाप को तीनों भुजाओं का योग, यानी परिमाप हो गया और परिमाप में आधा कर दो, समझ गए ना, ये तीनों भुजा का योग क्या है, परिमाप है, और परिमाप का ही आधा मतलब अर्ध परिमाप हो जाएगा, अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का आधा, यानी ए एस हो जाएगा। अब इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो किसकी मदद से, अर्ध परिमाप की मदद से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है, यानी पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा फिर हमें यह निकालना होगा, तो ध्यान रखना इसी सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र कहते हैं, हीरोन का सूत्र इसी सूत्र को कहते हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र देख रहे हैं इसी को हीरोन का सूत्र, हीरोन फॉर्मूला कहा जाता है। अब इसके प्रमाण की बात करें, इसको कैसे साबित करेंगे, तो इसके लिए आपको क्लास 11th में चलना होगा, वहां पे मैं आपको इसको साबित करके दिखाऊंगा, अभी आपको नहीं जानना है, बस आप क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, और चैप्टर में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होने वाला है। मान लीजिए अब आपके पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, चलिए मैं समद्विबाहु त्रिभुज को ए बी सी देता हूँ, तो जाहिर सी बात है दो भुजा बराबर होंगी, मान लीजिए दोनों भुजा प्रत्येक ए ए है और इसका आधार बी है, तो एक इसका शीर्ष लंब, इसे शीर्ष लंब करके जो खींचेंगे वो क्या होगा, इस पर लंब भी होगा और इसको दो बराबर भागों में बांटता भी, यानी कि इधर वाली बी बाई टू इधर वाली भी बी बाई टू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, माना माना ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जहां ए बी इक्वल टू में है ए सी इक्वल टू ए हमने माना है और बी सी इक्वल टू में बी माना है, तो ये बी सी बी ए डी लंब हमने खींच दिया है बी सी पर, तो यहां से ये जो बी बी डी जो हो रहा यह इक्वल होगा सी डी के, और हाफ ऑफ क्या हो जाएगा बी सी, यानी कि आ जाएगा बी डी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में बी बाई टू। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर ए डी निकालना होगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, किस में चल रहा है, त्रिभुज ए बी डी में ए डी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और माइनस बी डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी बाई टू का स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर, अंदर एलसीएम ले लेते हैं फोर, तो फोर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और बाई में टू। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये ए डी आ गया, ए डी का मान निकल गया, समझ रहे ना, ये ए डी हो गया, तो अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं एक बट्टा दो आधार आपका बी सी और गुना लंब ए डी, यानी हो जाएगा एक बट्टा दो आधार है बी और ये लंब है रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाई टू, यानी आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, वन बाई फोर बी रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये सारी फॉर्मूले याद रखेंगे, अभी आने वाले एक्सरसाइज में हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज में चतुर्भुज से, तो उसमें ही उसके सूत्रों को जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन।
आरडी शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस चैप्टर को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।